सब्सक्राइब एंड लाइक डिजिटल खबरें फॉर मोर अपडेट्स। मुंबई में लॉकडाउन के दौरान अब मुंबई से पलायन करने वालों की संख्या में इजाफा होता जा रहा है, जिसको देखते हुए सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि इन सभी का ख्याल रखा जाए। इसी कड़ी में मुंबई के समता नगर पुलिस चौकी द्वारा एक अनोखा काम किया गया है। यहाँ से पलायन करने वाले लोगों को, खास करके जो गरीब तबका है, उन्हें किसी तरह से मदद करने का समता नगर पुलिस द्वारा जो घर काम करने वाली महिलाएं हैं या पुरुष हैं, उनके लिए इंतज़ाम किया गया है अनाज का, ताकि किसी भी तरह से उन्हें कोई दिक्कत नहीं हो। समता नगर पुलिस द्वारा अनाज का बांटने का काम शुरुआत की गई है। सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए ये अनाज बांटने का काम यहाँ पे किया गया है। ये अनोखा काम मुंबई पुलिस द्वारा किया जा रहा है। अभी देखो, समता नगर पुलिस चौकी से हमारे सीनियर सर है जो राजू कस्बे सर, उन्होंने दामोनगर की परिस्थिति देखी और यहाँ के लोग भी देखे। बहुत गरीब परिस्थिति है, यहाँ पे जो लोग हैं वो किसी के घर काम करने वाले हैं, और यहाँ पे जो घर काम करने वाले जो बंद हो गए हैं, अभी उनके पास अभी पैसे नहीं है। उनकी समस्या वो देख के हमने ये डिसीजन ले लिया कि उनके पास जो धान्य है वो कम पड़ते, वो रेशन हमें दे दे उनको। इसलिए हमारे सीनियर सर ने उनको रेशन वाटअप करने के लिए हमें बोला और हम ये अभी कार्य हमें तत्पर किया। या पुड़े या पुड़े या वो बड़े इतने मित्र ने आओ आज जी चला या पुड़े चलो फोटो तो लो अरे भाई